गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं तस्मान जेने। सो चलिए देखते हैं डंकी मूवी का टीजर को। भाई ये डंकी मूवी का टीजर मतलब कि वीडियो का टाइटल है, थोड़ा सा अलग। मैंने सोचा डंकी टीजर होगा पर थोड़ा सा अलग टाइप के टाइटल लिखा है, डंकी ड्रॉप वन। सो डंकी ड्रॉप वन का क्या वीडियो में क्या रहेगा मुझे पता नहीं, अभी देखती हूँ। 1:48 का वीडियो है एंड जानते कि डंकी मूवी पे एक्टिंग किया है तपसी पन्नू एंड साथ में शाहरुख खान एंड साथ में और भी लोग हैं। एंड डंकी मूवी का डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, जो डायरेक्टर बहुत अच्छे अच्छे हिट एंड ब्लॉकबस्टर मूवी गिफ्ट किया है सबको। अभी डंकी मूवी को मतलब कि डंकी मूवी क्या करेगा पता नहीं। सो चलिए, बहुत बकबक कर लिया मैंने, डंकी ड्रॉप वन वीडियो को देखते हैं। एंड बता दें कि आज शाहरुख खान के बर्थडे है भाई, तो है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे SRK, मतलब कि बॉलीवुड का किंग खान। सो चलिए देखते हैं डंकी ड्रॉप वन ये वीडियो को। सो गाइस लेट्स प्ले। किसको शूट कर रहे हैं, क्या करें हम ऐसे दिल का। ओहो सो सैड। कसम खा अपनी दादी थी कि आज के बाद इंग्लैंड के बाद भी नहीं सोचेगा। नलायको मेरी कसम क्यों खाते हो हमेशा। मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचू भी तो मेरी दादी मर जाए। शाहरुख खान हार्डी मनु दिवाकी। मेरी पूरी फैमिली है ये चार उल्लू के पट्टे, तो लंदन जाना चाहते हैं। उनमें एक लड़की है मनु, हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूं। आप अपना नाम बताओ बस। बांगी पुरप्पू वेंकट कुप्पू। मतलब कोई बात नहीं सर, आप लिख के दे दो, मेरी तरफ से नाम डन है। कमिंग सून डॉप टू। सो गाइज हमने देख लिया डंकी ड्रॉप वन वीडियो को एंड मुझे लगा था आज शाहरुख खान की बर्थडे, सो डंकी मूवी का टीजर आएगा, पर ये ड्रॉप वन करके दो पार्ट लेकर आएगा। मतलब कि आज डंकी ड्रॉप वन वीडियो का हमने देखा है एंड ड्रॉप टू कमिंग सून लिखा है लास्ट में, तो देखने बाकी है ड्रॉप टू कब आएगा। मतलब कि टीज़र को दो पार्ट में दो पार्ट से हम लोगों को दिखाएगा, यही बात है। एक तरफ से एक ही टीज़र दे देता तो बहुत अच्छा होता सच में, एक ही टीज़र दे देता तो अच्छा था। ड्रॉप वन टू ऐसा करके मजाक नहीं करना चाहिए शाहरुख खान का जो फैन लोगों के साथ, ठीक है। पर मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि डंकी ड्रॉप वन ई वीडियो को देखने के बाद फर्स्ट में शुरू होता है एक गाने के लाइन से, जो गाने गाए है सोनू निगम ने। एक टाइम था सोनू निगम बहुत ज़्यादा हिट गाने गाते थे सोनू निगम। मुझे लगता है कि डंकी मूवी के साथ साथ बहुत दिन के बाद गाने शुरू किया है। इससे पहले तो ज़्यादा उनका एल्बम आता था या तो मूवी पे सोनू निगम का गाने आता था, पर बहुत दिन के बाद मैंने सोनू निगम की आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड गाने का लाइन था, जो गाने का लाइन था बड़ी दूर से आए है, वो गाने मुझे लगते हैं कि जब थिएटर में सिनेमा हॉल में जाके लोग सुनेगा तब सबका आंसू गिर जाएगा भाई, कितना इमोशनल गाने भी हो सकते बताओ। एंड गाने का म्यूज़िक कंपोज़र क्या है प्रीतम ने एंड लिखा है जावेद अख्तर। तो गाने से ही ये ड्रॉप वन का डंकी ड्रॉप वन का वीडियो शुरू होता है। एंड बाद में हमने देखा है कुछ लोग जा रहे एंड एक बंदे ने शूट किया है। शूट करने के बाद जो सीन दिखाया मतलब कि ये प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, जब शूट करने के बाद एक नाम आता है ना कि डंकी, ये बहुत अच्छा लगा यूनिक स्टाइल में। एंड उधर में हमने देखा है कि राजकुमार हिरानी का इससे पहले हिट मूवी कौन सी आया था, वही दिखाया लोगों को कि मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई 3 Idiots एंड PK। तो
और भी एक है, मुझे अभी याद नहीं है, पर मैंने पीके देखी, मुन्ना भाई MBBS देखी है और थ्री इडियट्स मैंने देखी है। तो मुझे लगता है ये डंकी मूवी को भी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि राजकुमार हिरानी भाई मूवी माने मतलब कि डायरेक्टर का राज है, ठीक है, डायरेक्टर का राज है, डायरेक्टर का किंग है। जो मूवी पे इमोशन है, स्ट्रगल है, लव है, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से बना दे। एंड इधर में हमें देखा शाहरुख खान को, मतलब कि जवान मूवी में वो विक्रम राठौर की जो बॉडी था, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इधर में बहुत ज़्यादा अलग था, मतलब कि चिकना सा पतला सा ऐसा। एंड थोड़ा सा इधर में जो दादी मर जाए ऐसा कुछ एक डायलॉग था, वो मुझे अच्छा लगा। हम सब ऐसे करते हैं कि कोई प्रॉमिस करे या तो ऐसा ना हो कि दादी मेरा मर जाए ऐसा, दादी मर जाए ऐसा नहीं, मतलब कि दादी के नाम को लेकर हम प्रॉमिस करते हैं ऐसे। ये कॉमेडी सीन मुझे अच्छा लगा। एंड और एक बता दें कि इधर में हड्डी नाम के कैरेक्टर है शाहरुख खान का, और मनु नाम का कैरेक्टर है तपसी का। एंड इधर में विकी कौशल को हमने देख सकते हैं। तो यही बात है कि पूरा मतलब कि डंकी ड्रॉप वन ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है डंकी मूवी इस टाइप की होगा कि फैमिली ड्रामा मूवी है। एंड साथ में ये कि सबको मतलब कि शाहरुख खान के साथ उनका फैमिली एंड उनका फ्रेंड तीन चार लोग मिलके वो लंदन में जाना चाहते हैं। एंड इलीगली लंदन में जाने का टाइम क्या क्या होता है, मतलब कि हमारे देश में या तो सब देश में ऐसा होता है कि सबका ड्रीम होते है कि फॉरेन कंट्री में जाए। तो इलीगली फॉरेन कंट्री में जाने के टाइम उसके साथ क्या क्या होते हैं, वही मुझे लगता है ये डंकी मूवी पे देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि इधर में कुछ बोल रहा था शाहरुख खान की आवाज़ से कि हम लोग लंदन में जाना चाहते हैं, पर यही होगा। तो डंकी ड्रॉप टू में क्या है पता नहीं, ड्रॉप टू देखूँगी तब मुझे पता लगेगा थोड़ा सा। पर अच्छा लगा था शाहरुख खान का, मतलब कि पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा कि चिकना बना दिया, पतला बना दिया। जवान मूवी पे हम विक्रम राठौर को जैसे दिखा था ना, बहुत मोटा सा ऐसे, इधर में शाहरुख खान बहुत ज़्यादा यंग लग रहा था। एंड इधर में पंजाबी कुछ गाने भी हो सकते, क्योंकि वो लोग पंजाब की थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, बात बोल रहा था। तो ओवरऑल मुझे डंकी ड्रॉप वन वीडियो अच्छा लगा, पर इतना खास नहीं था। मुझे लग रहा था ड्रॉप वन टू मिला के टीजर ही डाल देता तो अच्छा होता। तो जो भी हो, देखना बाकी ड्रॉप टू में क्या है। और शाहरुख खान के आज बर्थडे, वही बड़ी बात है कि ऑडियंस के लिए, फैन लोगों के लिए एक गिफ्ट छोड़ दिया डंकी ड्रॉप वन वीडियो को। सो ये था रिएक्शन वीडियो। वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, और साथ में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सच में चली जा रही हूँ।